महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग को अगर इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में पहुंचना है तो उसे आज जीत हासिल करनी होगी। दरअसल चेन्नई सुपर किंग के लिए आज सनराइजर्स हैदराबाद से करो या मरो का मुकाबला है। तीन बार की चैंपियन और पिछली बार की उपविजेता चेन्नई को अभी तक 7 मैचों में से 5 में हार मिली है। पॉइंट्स टेबल में अभी वो 7वें स्थान पर है। वहीं चेन्नई की सलामी जोड़ी सैन वॉटसन और फाफ डुप्लेसी ने शीर्ष क्रम में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मध्यक्रम को अब बेहतर खेल दिखाना होगा। केदार जाधव के लगातार लचर प्रदर्शन के कारण चेन्नई ने पिछले मैच में उन्हें बाहर कर दिया था और उनकी जगह नारायण जगदीशन को चुन लिया था, जिन्होंने 28 गेंद पर 33 रन बनाए। सैम करन, रविंद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो भी बल्लेबाजी में असफल रहे। धोनी भी अपेक्षित तेजी से रन नहीं बना पाए। कप्तान ने भी बाद में स्वीकार किया कि अगर उन्हें आगे मैच जीतने हैं तो बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। धोनी ने कहा, बल्लेबाजी थोड़ा चिंता का विषय है, हमें इसको लेकर कुछ करने की जरूरत है। गेंदबाजी में दीपक चहर और जडेजा अब तक प्रभावशाली रहे हैं। ब्रावो की वापसी से टीम संतुलित हुई, लेकिन करण, शार्दुल ठाकुर और कर्ण शर्मा को और अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। इस मैच में धोनी की टीम सनराइजर्स हैदराबाद से पिछले मैच में मिली 7 रन की हार का बदला चुकता करने की भी कोशिश करेगी। वहीं आपको बता दें, सनराइजर्स की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। उसने 7 मैचों में से 3 मैच में जीत दर्ज की है और तालिका में 5वें स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रविवार को 5 विकेट की हार से टीम आहत हुई, क्योंकि 4 विकेट पर 158 रन बनाने के बाद एक समय उसने मैच पर अच्छा नियंत्रण बना रखा था। बल्लेबाजी सनराइजर्स के लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो, कप्तान डेविड वार्नर, मनीष पांडे और केन विलियमसन लगातार अच्छा स्कोर बना रहे हैं और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। गेंदबाजी उसका कमजोर पक्ष बनकर सामने आया है। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और ऑलराउंडर मिशेल मार्स को गंवाने के बाद सनराइजर्स के गेंदबाजी कमजोर पड़ी है। लेग स्पिनर राशिद खान और यॉर्कर विशेषज्ञ टी नटराजन ने हालांकि उनकी तरफ से अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन संदीप शर्मा, खलील अहमद और युवा अभिषेक शर्मा उसकी गेंदबाजी इकाई की कमजोर कड़ी साबित हुए हैं। खैर, आज के मैच में देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ही टीम को आज जीत की जरूरत है। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।